ईद के नवे कपड़े पाउण खुशी दे त्यौहार दी नुमाया सुझाण है, पर सारा साल गाहकें दी राह तकण वाले दर्जी दे क्या कहने जो ईद करीब आंदे ही ना सिर्फ उन्हां दे नखरे वध गए बल्कि दुकानां ते हाउसफुल दे बोर्ड आवेजा करते मजीद कपड़े घिनण तो इनकार कर दिते, जिंदी वजह तो शहरी बेवसी नाल दुकानां दे फेरे लैंदे नजर आंदे। सूट देने के लिए आए हैं, कोई भी नहीं ले रहा, सब दर्जियों पे हाउसफुल लिखा हुआ है, लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। मुल्तान दी मुख्तलिफ मार्केटां च दर्जी जिथां लोड शेडिंग को बुनियाद बनाते कपड़े नहीं घिंदे पे, उथां ज्यादा रश दी वजह तो छोटे छोटे बालों को दर्जी बनाते ਬਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣ ਜੋ ਦਰਜ਼ੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪੈਨ, ਦੂਜਾ ਰੇਟ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਹੈ, 600 ਰੁਪਏ ਸੂਟ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਂਦੇ। ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਈਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਕਰਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜੀ ਈਦ ਹਮਾਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, अगर इसमें नहीं कमाएंगे किस में कमाएंगे? काम क्या लें? कस्टमर आता है कहता है जी काम ले लो, काम ले लो, कहाँ से लें, किसके सर पे बनाएं, हाथ से बनाएं, लाइट से बनेगा काम? परमानेंट कस्टमर थे असा जन कपड़े वापस ही लेते, 8-8 घंटे इतना लाइट नहीं होती, असा जड़ा ना होने की वजह तो जड़ा ना कपड़े इतना ज़्यादा नहीं बना सकते पे। 5 मिनट आनी रूडू घंटे चली है वेंदी, उस तो बाद इतना कि गाहकों असा कपड़े वगैरह किवें गिनसू या किवें असा इते देसो। दूजे पासों दर्जियां वल्लों कपड़े सीवण तो इनकार ते रेडीमेड गारमेंट्स की मांग वध गई है, 800 से 6,500 तक रेडीमेड कपड़े बेचे वेंदे पेन। ईद पे रश ज़्यादा हो गया दर्जियों के पास, इसकी वजह से मजबूरन हमें फिर रेडीमेड कपड़े ईद के करीब लेने पड़ते हैं। ईद उवें तो हर कहीं वास्ते कमाई का जरिया है, पर बिजली की लोड शेडिंग कारोबार कमी का बायस भी बनती पई है। मुल्की खुशहाली कारोबारी सरगर्मी नाल होंदी है, जेकर लोड शेडिंग ते काबू पा लिता वे तो ना सिर्फ कारोबार वधारा किया बन सकते बल्कि ईद की खुशियां भी दुबला कितिया बन सकते। कैमरामैन ताहिर अब्बास के नाल जावेद इकबल अंबर, रोई टीवी मुल्तान।